अब मुझे कोई भांज नहीं पुकारेगा। पेड़ के फल और समंदर के नमक का क्या संबंध, मगर जब वो दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक नई बात पैदा हो जाती है। बल्कि ये घर जो एक मंदिर समान है, उसमें जो देवी रहती है उसका अपमान करने से रोक रही हूँ। दुनिया की नजर में ये एक भांज स्त्री जिसका साया भी मन हो से। तुम मेरे मुंह मत लगा करो, बंदर रहेगा वरना बूटी लगा डालूंगा। अब बोलो मालकन, आप एक दूसरे को काट क्यों रहे थे? अरे वो विजय की पत्नी लक्ष्मी मनहूस है, उसका साया अगर हमारी बेटी के होने वाले बच्चे पर पड़ गया तो? एक मिनट, आपका मतलब ये है कि सिर्फ इसका साया पड़ने से और उसकी बुरी नजर लगने से आपकी बेटी का बच्चा नहीं बचेगा? हाँ। और हमने जो जो कर्म किए हैं उसका होने वाले बच्चे पर कुछ असर नहीं होगा? हमने क्या किया है? अरे कितने पाप किए हैं, दूध के पाउडर में मिलावट करके हजारों बच्चों के हाथ पैर खराब कर दिए, कितनों को अपाहिज कर दिया, उसका पाप नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा, ये मैं ठीक बोल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा नवासा पैदा होगा कि नहीं, पैदा होगा तो बचेगा कि नहीं, मुझे तो इसी चक्कर में चक्कर आ रहे हैं। एक रास्ता है, तुम दोनों जिस गाड़ी में बैठकर यहाँ आए हो उसी गाड़ी में बैठकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। कहाँ? तीर्थ यात्रा पर। कोई मंदिर, कोई तालाब, कोई कुंड मत छोड़, डुबकी लगाते जाओ और अपने पाप धोते जाओ, फौरन निकल जाओ। अच्छा। दुकान मैं संभाल लूंगा। ये भगवान मेरी दुकान। बंदर लेखा, मैं जहाँ भूलता जाऊँ मेरे को याद दिलाते जाना। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे अंतर्यामी, तू तो जानता है मैंने दौलत की लालच में अपनी बेटी को विजय चौधरी के घर में ब्याह था। अब वो माँ बनने वाली है, उसकी कोख से बच्चा पैदा होने वाला है। मैंने सारी जिंदगी मिलावट की, तू उसकी कोख में मिलावट मत कर देना। मैं तो कहता हूँ भगवान, उसकी कोख से तू ही जन्म ले लेना, और अगर तूने जन्म लिया तो मैं 1,00,000 का हार बनाकर हीरो का तुझको चढ़ाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? भगवान से मन्नत मांग रहे हो तो वो पूरी करनी पड़ेगी। 1,00,000 रुपया अगर भगवान पर चढ़ाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? 10-5 पैसे की मांग लो क्या? बेवकूफी की सहेली, कंकर वाले चावल की थैली, भगवान से जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी नहीं की जाती, बल्कि पूरी होने तक ऐसे कहना पड़ता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मुकर जाया जाता है। ये बेईमानी मैंने तेरे बाप से सीखी थी। हाँ, ऐसी बात है तो 2,00,000 की मन्नत मांगो। मांगो। 2,00,000? बोलो ना। अच्छा भगवान, 1,00,000 का कैंसिल, 2,00,000 का हार चढ़ाऊंगा, मेरा विश्वास करो। इस विश्वास में मिलावट का कोई चक्कर नहीं है। हाँ नहीं। चौधरी साहब, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बच्चा आराम से हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? ललिता की हालत। क्या हुआ ललिता को, बताइए ना डॉक्टर। मैंने उसी दिन आपको चेतावनी दे दी थी कि ललिता बहुत कमजोर है, दिल की मरीज है, बच्चे को जन्म देते वक्त उसे बहुत तकलीफ होगी। अब उसकी हालत देखते हुए समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बच्चे को बचाएं या माँ को? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, उन दोनों को बचाना होगा, मुझे दोनों की जिंदगी प्यारी है, उन दोनों को बचा लीजिए डॉक्टर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे भगवान के हाथ में। मैं कुछ दवाइयां लिख के देती हूँ, मिलना जरा मुश्किल है लेकिन ढूंढ के ले आइएगा, ठीक है? ये लीजिए भैया, आप यहीं रहिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ, जल्दी आना। डॉक्टर, लक्ष्मी जी को बच्चा हो गया। क्या मैं बदने से बाप बन गया? लक्ष्मी? हाँ, मैं लक्ष्मी ही हूँ, अब मुझे सिर्फ इसी नाम से पुकारेंगे। बीच में मुझे और एक नाम मिला था, बांज, मुझे बांज पुकारा जाता था, अब मुझे कोई बांज नहीं पुकारेगा, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, माँ। अब आप खुश हैं ना? हाँ लक्ष्मी, बहुत खुश हूं, लेकिन
लेकिन ललिता। डॉक्टर जल्दी चलिए। क्या हुआ ललिता को? अच्छा तुम चलो मैं आती हूँ। चौधरी साहब आप यही रहिए। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं लक्ष्मी, तुम खामखा चिंता मत करो। नहीं जरूर कोई बात है, इसलिए आप इतने परेशान हैं। फौरन जाइए, लेकर आइए ललिता को। क्या हुआ? ठीक है अभी आए। ललिता को क्या हुआ डॉक्टर? अब कैसी तबीयत है उसकी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चा बेजान पैदा हुआ। क्या? मगर ललिता की हालत बिल्कुल ठीक है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं। फिर भी एक समस्या है चौधरी साहब। एक तो ये कि ललिता पहले से ही कमजोर है, ऊपर से जचकी भी बहुत मुश्किल से हुई है, इसलिए उसका दिल बहुत कमजोर हो गया है और इस वक्त वो एक छोटे से सदमे को भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मतलब उसे बच्चे के मरने की खबर अभी तक नहीं हुई है, अब तक बेहोश है, लेकिन होश में आने के बाद अगर उसे पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। ललिता के होश में आने से पहले उसके पास आज ही पैदा हुआ एक बच्चा रख देना चाहिए। मैं समझ गया डॉक्टर। क्या मैं ललिता को देख सकता हूं? डॉक्टर अभी अगर इसे होश आ जाए तो? होश आने ही वाला है, जाइए जल्दी जाइए। जी। क्या हुआ ललिता कैसी है? ठीक तो है। ठीक तो है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन लेकिन क्या? उसका बच्चा हुआ या नहीं? बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होते ही मर भी गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? उसके शुभ पैर हमारे घर में पड़ते ही मैं बरसों बाद माँ बन गई। उस आबागन की गोद हरी करके और उस भाग्य लाने वाले की गोद सोनी कर दी। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे ललिता के पास ले चलिए। एक तो ललिता की तबीयत पहले ही बहुत कमजोर है, अब वो एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ऊपर से डॉक्टर ने यह कहा है कि बच्चे के मौत की खबर उसकी मौत का कारण बन सकती है। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं। बस एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? उसके होश में आने से पहले हम हमारे बच्चे को उसके पास रख देंगे और कह देंगे कि यही तुम्हारा बच्चा है। सुनिए, ललिता होश में आने के बाद पूछेगी कि दीदी आपका बच्चा कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि हमारा बच्चा मर गया। कह रही है? अरे ये सच थोड़ी है, उसका दिल रखने के लिए कह देंगे। हाँ कह देंगे, लेकिन कितने दिनों तक? जब तक उसकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। महीना लग सकता है, 10 महीने लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, कहना तो पड़ेगा ही। देर हो रही है लक्ष्मी, ये सोचने का वक्त नहीं है। आप ले जाइए इसे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अभी तो हम यही कह देंगे कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद अगर हम ये कहेंगे कि हमारा बच्चा मरा नहीं था, जिंदा है, यही हमारा बच्चा है, तो लोग हमारी बात का विश्वास करेंगे। लक्ष्मी, हमारी ललिता जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी है, उसकी चिंता करने के बजाय तुम्हें लोगों की फिक्र हो रही है। आप क्या जाने, लोगों ने मेरे दिल पर शब्दों के कैसे कैसे तीर चलाए हैं। मुझे वो औरत कहते रहे जिसके कोख से औलाद की फसल उग नहीं सकती, मेरे साये को भी मनहूस समझते रहे। आज परसों बाद भगवान ने उन लोगों को जवाब दिया कि लक्ष्मी बांझ नहीं है, वो भी बच्चे को जन्म दे सकती है, माँ बन सकती है। आज उन लोगों के सामने मैं अपनी औलाद को गोद में लेकर सर उठाकर चलने का मौका आया, तो आप मुझसे ये कहलवाना चाहती हैं कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अपने माँ बनने के बाद भी आप मुझे बांझ कहलवाना चाहती हैं। सुनिए, मैं अपना बच्चा हमेशा के लिए ललिता को देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि एक बार दुनिया को पता चल जाए
कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है और इस बच्चे को मेरे ही नाम मिले। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे को नाम तुम नहीं ललिता देगी और ललिता के साथ साथ दुनिया भी यही समझेगी कि इस बच्चे को जन्म तुमने नहीं ललिता ने दिया है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं आखिरी बार तुमसे विनती कर रहा हूँ लक्ष्मी, मेरी बात मान लो। तुम्हारी हाँ से वो जी जाएगी और तुम्हारे ना से वो मर जाएगी। आपको क्या पता कि दुनिया ने मुझे कितना सताया, आपके बारे में क्या क्या कहा कि लक्ष्मी को बच्चा नहीं होता तो उसमें पूरा दोष लक्ष्मी का नहीं, उसके पति भी उसके जिम्मेदार है। मैं अपने बच्चे को दिखाकर उन लोगों का मुंह बंद करना चाहती हूँ और करके ही रहूं। भैया भैया भैया, मैं बाप बन गया, ललिता को बच्चा हुआ है। हाँ भैया, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ आना आना मेरे साथ, आओ देखो भैया। मुबारक हो बेटी। की मर्जी कहूं या तकदीर का जुल्म, मुझे समझ में नहीं आता। ललिता की गोद सुनी रह जाती और भगवान तुम्हारी गोद भर देता तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता भाभी, क्योंकि मेरी नजरों में औलाद से ज्यादा तुम्हारे आंसुओं की कीमत है। रो मत भाभी, रो मत। तुम भी आजकल की मॉडर्न लड़कियों जैसी हरकतें कर रही हो। मॉडर्न लड़कियों जैसी? क्या मतलब? मतलब ये मैम साहब कि आजकल की लड़कियां बच्चे को अपना दूध पिलाने की बजाय बोतल से बाजारी दूध पिलाती हैं, ताकि उनकी खूबसूरती में कोई फर्क ना आ जाए। तुम भी वैसा ही कर रही हो। अगर बच्चे को सेहतमंद बनाना है तो उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए, समझी? जानती हूँ, लेकिन ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूँ। एक तो मैं पहले ही कमजोर थी, किशन के पैदा होने के बाद खून में और कमी हो गई, मैं ज्यादा कमजोर हो गई, इसलिए दूध बनता ही नहीं। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन इस मामले में दीदी बड़ी महान है। भगवान ने उनका अपना बच्चा उनसे छीन लिया, लेकिन वो किशन को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करती है, और जब वो किशन को प्यार करती है तो उनकी ममता छलक उठती है, और साथ ही उनके सीने से किशन के लिए दूध भी छलक पड़ता है। भारतीय नारी की जो परंपरा है वो सारे गुण और ममता दीदी में है। इसमें क्या शक है? काश उनका बच्चा जिंदा होता। लेकिन ये बच्चा, देखिए पेड़ के फल और समंदर के नमक का क्या संबंध, मगर जब वो दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक नई बात पैदा हो जाती है। इसी तरह मैं और दीदी दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दूध पिलाने का सौभाग्य सिर्फ दीदी को मिला। अच्छा जरा बच्चे को संभालो, मैं देखकर आती हूँ दीदी ने खाना खाया है नहीं।
तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। अरे बच्चों कहाँ लेके जा रही हो? दीदी के पास। क्यों? ओहो, दीदी की गोद में जाके फौरन सो जाएगा। तुम्हारे बच्चे को मेरे पास छोड़कर क्यों जा रही हो? चलो वही ले जाओ इसे। नहीं नहीं दीदी, सारा दिन इसे गोद में लादे लादे मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, अब मुझसे और नहीं उठाया जाता, आप ही इसे अपने पास सुला दो ना। वो तो ठीक है, लेकिन अचानक आधी रात में उठकर रोने लगे और दूध मांगे तो? नहीं नहीं दीदी, ये नहीं उठेगा, आप ही के पास तो मजे में सोता है, उल्टा मुझे ही रातों को परेशान करता है। अब देखिए ना, वैसे ही कमजोर हूँ, खून की भी तो कमी है, अगर मैं मर गई तो किशन को कौन संभालेगा? ललिता, खबरदार जो ऐसे मनहूस शब्द मुंह से निकाले तो मारे तेरे दुश्मन। जाओ जाकर सो जाओ, मैं बच्चे को सुलाती हूँ। जाओ। ओए माँ, क्या हुआ? दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दर्दे सर, दर्दे कमर। तुम नहीं डरो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। क्या मतलब? बुद्धू, मतलब ये कि दीदी की तरह तुम भी धोखा खा गए, यही नाटक करके तुम्हें बच्चे को दीदी के पास छोड़ाई हूँ। बच्चा छोड़ाई हो ठीक है, लेकिन भाभी के साथ नाटक करने की क्या जरूरत है? वैसे माफ करना, तुम एक बच्चे के बाप तो बन गए हो, लेकिन खुद किसी बच्चे से कम नहीं हो। इतना भी नहीं समझते कि इतने बरसों बाद दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसे भी भगवान ने छीन लिया, अब अपनी सुनी और खाली गोद देखकर दीदी को दुख नहीं होगा क्या? ओ, वो ये नहीं, 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 नहीं। आ जा, यहाँ बैठ। देख, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, बाद में पछताते हैं। मुझको ये लफड़ाने चाहिए, तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो बता, शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी? घर चलाऊंगी। घर नहीं तो क्या अनाथ आश्रम चलाएगी? ये तो मुझको मालूम है। घर कैसे चलाएगी? उधार लेके चलाऊंगी। सारा देश इस वक्त यही कर रहा, तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी? नहीं नहीं, सुबह उठकर तू क्या करेगी? ले पकड़। अंगड़ाई लूंगी। अंगड़ाई लेगी, जमहाई लेगी, सब कुछ करेगी, उससे मुझे क्या लेना देना? काम की बात बोल। सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी। मतलब मुझको छोड़ देगी? क्यों? अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती, पति शादी के बाद परमेश्वर होता है, सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना। हाँ, समझ गई। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी, मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना? हाँ हाँ जरूर। हाँ। चल, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब असली बात बता। रात को क्या करेगी? रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी। फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा, हर बात में खाना घुसेड़ देती है। अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी? सो जाऊंगी। ये देखो जिंदगी है, सो जाऊंगी। तो फिर तू ही बता क्या करना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझाता हूँ, अपन एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? अरी ओ हरामजादी चुड़ैल, उधर क्या फुसला मार के बैठी है, इधर आ। देखती नहीं मैं थका मांदा आया हूँ? हाय राम, कितने थके मांदे लग रहे हैं, शरीर से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी? ऐसा क्यों पूछ रही है, खाना पकाया या नहीं? कल की बासी खिचड़ी है,
परसों की दाल पड़ी है, ज्यादा खराब नहीं हुई। पड़ोस का कुत्ता उसने मुंह मार के गया है, कहो तो गरम करके ला दूं। शर्म, तेरी छोरी, इधर आ। तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ? शर्म, दादी, कोई काम नहीं करती। निया बेचारा थका मांदा घर आया है, न खाना पकाया, न खाना खिलाया, न बिस्तर बिछाया। चलो पत्ती बंद कर और इधर आके जरा मेरे पैर दबा। चल। अरे अरे ये गधे के लाग, हट। अरे हट, अरे क्या हो रहा है? अरे हट हट हट, अरे मेरे को क्यों मारा ये? उधर मार गधे को। इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है। मक्खी चूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। सड़ा हुआ कद्दू, मुझे बीवी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना आता। मारो तुम्हारे दे। अरे उसे क्यों मार रहे हो? अरे अरे उसे भागने क्यों दिया? हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था, भागने क्यों दिया? पटक पटक के मारना था, वो 50 किलो का आदमी है को खाली थैली नहीं है जो पटक पटक के मारता। और तुमने मुझे दम छोड़ा कहा जो पटक के मारता? खाली रुमाल उठाता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। अच्छा ये सुना, बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबाओ ना। क्या मैं दबाऊ? शर्म नहीं आती? देखा नहीं मेवाला अपने माशुका के कैसे पैर दबा रहा था। चलो हटो। हाँ चलो शुरू हो जाओ। लानत है हम जैसे मर्दों पर, बीवी के पर। जीजा जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इसके पैर की रेखा देकर इसकी तकदीर बता रहा था। मुबारक हो जीजा जी, ललिता को यानी कि लड़का पैदा हुआ है। हे भगवान, हमारी तीर्थ यात्रा बेकार नहीं गई, सफल हो गई। लेकिन भैया, वो हरामजादी मनहूस लक्ष्मी भी तो गर्भ से थी, उसका क्या हुआ? उसका बेटा तो पैदा होते यानी के मर गया। अरे क्या हुआ, इस खुशी के मौके पर रो क्यों रही है? हमारी सारी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा बेकार गई, तुम्हारा बच्चा मर गया सुनकर बहुत दुख हुआ। एक तो इन्हें परसों बाद बच्चा हुआ, वो भी यमराज उठाकर ले गए। देखिए जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। मुझे पंचायत की मीटिंग में जाना है, आप लोग अपने नवासे से मिल लीजिए। ललिता ललिता ललिता, अब क्या हुआ जो इतना चिल्ला रही हो? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। अच्छा बोलो क्या नहीं हुआ? अरे देख वो मनहूस, वो नागिन, वो बांझ हमारे बच्चे को अपनी छाती का दूध पिला रही है। काली नहीं सीधे मुंह बात करो, दूध पिला रही है तो उसमें क्या बुराई है? अजीब बेवकूफ लड़की है, इतने वर्षों तक ये औरत बांझ रही, इस साल इसने एक बच्चे को जन्म दिया और ये नागिन खुद अपने ही बच्चे को खा गई, और आज ये नागिन हमारे बच्चे को अपना जहर पिला रही है। माँ मैं फिर कहती हूँ, खबरदार जो दीदी के खिलाफ एक भी गलत शब्द अपने मुँह से निकाला तो। वो देवी है और देवी का दूध तो एक तरफ, अगर वो मेरे बच्चे को जहर भी पिला दे तो वो उसके लिए अमृत बन जाएगा, समझी? तुम दोनों बहुत दिनों बाद यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चले जाओ? इतना भयानक अपमान? मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये घर जो एक मंदिर समान है उसमें जो देवी रहती है उसका अपमान करने से रोक रही हूँ। जाओ यहाँ। ठीक है जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कह देती हूँ, इस मनहूस ने बच्चे को हाथ लगाया, उसे अपना दूध पिलाया, मतलब इसने अपनी बुरी नजर का बच्चे को शिकार बना दिया। अरे अपना बच्चा हड़प कर गई तो तेरे बच्चे को क्या छोड़ेगी? देख लेना एक दिन बच्चा उल्टियाँ करेगा, खून की उल्टियाँ करेगा, इसे तेज बुखार होगा और कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि शराब और बुरी नजर का कोई इलाज नहीं होता, और एक दिन बच्चा मर जाएगा तब तुझे मेरी बात याद आएगी। मां तुम जाती हो कि धक्के देके बाहर निकालो? छोड़ो छोड़ो मुझे। बच्चे को नहीं, अब मैं बच्चे को नहीं छूंगी, कभी से हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। दीदी आप बच्चे को लेती हैं या नहीं? नहीं मैं बच्चे को नहीं ले सकती, मुझे नहीं लेना चाहिए,
मैं नहीं लूंगी। दीदी आपको मेरी कसम है, ले लो बच्चे को। नहीं ललिता, मेरी बात मानो, जिद मत करो। दीदी अपना दूध पिलाओ। दीदी नहीं, मैं कहती हूँ पिलाओ अपना दूध। नहीं दीदी, अपना दूध पिलाओ, पिलाओ अपना दूध। कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा, खरीदने वाला चाहे इस गांव का हो या दूसरे गांव का। किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी मां होती है, और कोई भी इंसान अपनी मां का सौदा नहीं कर सकता। जहां तक पुराने कर्जों का ताल्लुक है, उससे बचने के लिए सरकार ने बहुत से तरीके निकाले हैं। इसलिए किसी की धौंस में आकर या घबरा कर अपनी जमीनें मत बेचना। कोई भी माई का लाल आपके खून पसीने की फसल को अब छू तक नहीं सकता। भाइयों, एक खुशी की बात और है। आप सबने गांव की पंचायत में अपनी अपनी जमीनों के वास्ते बीज और खाद के लिए जो पैसे जमा किए थे, उन सब का सामान आ गया है, और वो सामान हिफाजत के साथ विजय बाबू के गोदाम में रखवा दिया गया है। बस बस बस, हमें सिर्फ वक्त और मौसम का इंतजार है। हम सब एक साथ मिलकर बीज बोएंगे, हमारी जमीनें एक होंगी, हमारी मेहनत एक होगी, हमारे दिल एक होंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो जो हमने सपने देखे हैं वो भी नेक होंगे। साले भाई, तुम अंदर जाओ, मैं वहां जाके पहरा देता हूं ताकि कोई आना जाए। हाँ? चलो। अरे चलो जल्दी जल्दी जल्दी। बात असल ये है कि गोदाम में चूहे बहुत हो गए ना, इसलिए उन्हें मारने के लिए हम लोग दवाई डालने के लिए दवाई डाल। तुमने इस गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया है, काफी बर्बादी फैलाई है, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी करतूत होगी। इस गांव में आज तक पुलिस नहीं आई, और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों की वजह से पुलिस इस गांव में दाखिल हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम आज और इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओ। जीजा जी, मुझे बचा लीजिए। जीजा जी, अबे कौन है? तुम्हारे साला। कौन साला? क्यों मुझे जीजा बोलकर अपनी बहन को गाली दे रहा है? जाना पहचान जीजा जी, सलाम। अबे हट, मेरे पांव पहले कर, हाथ लगा के। पन्नालाल, बहुत हो चुका। पंचायत वालों, इनको इज्जत के साथ गांव की सरहद का राजा दिखा दो। अबे चल, नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वाह विजय वाह, तुम तो महानता से भी ज्यादा महान हो, ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे हो। अरे सागर में क्या पानी होगा, तो तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्यार का सागर मौजे मार रहा है। इस गांव को बचाने पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, और तुम्हारे झंडे का डंडा पकड़ के नारा लगाता हूँ कि सच्चे का मुंह काला, नहीं नहीं झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल भाला। विजय भैया की कोई भी नहीं है, जय विजय भैया की जय। डॉक्टर लीलावती? यस। मैं विजय चौधरी बोल रहा हूँ। अचानक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोशी का आलम है, आंखें तक नहीं खोल रहा। आप जरा जल्दी आ जाइए प्लीज। अच्छी बात है, मैं आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी, तुमने बच्चे को क्या खिला दिया था? कुछ नहीं, तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं खिलाया। अगर कुछ नहीं खिलाया तो इसकी ये हालत कैसे होगी? तुम मुझे इस तरह क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मन ही मन अपने तकदीर को कोस रही हूँ कि मुझे भगवान को इस मासूम के पालन पोषण करने की क्या जरूरत थी। दुनिया की नजर में ये एक भांज स्त्री जिसका साया भी मनहूस है। सच कहते हैं वो लोग कि मैं ही कारण हूं इसकी बीमारी का, और कोई कारण नहीं। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही है? डॉक्टर आइए, डॉक्टर जल्दी।
बच्चे को निमोनिया हुआ है। The child is suffering from acute bronco pneumonia. बच्चे को नहलाया था क्या? हाँ। कब? सुबह तेल की मालिश करके नहलाया था। इसीलिए ऐसे निमोनिया हुआ है। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में निमोनिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान, मैं इसे इंजेक्शन देती हूँ। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर फायदा हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो। नहीं डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर, आप अकेले हमारी इस राज की, इस सच्चाई की गवाह हैं। अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो आप जानती हैं कि मैं जिंदा नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारे त्याग की भगवान की नजरों में जरा भी कीमत होगी तो इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये एक डॉक्टर नहीं, एक औरत कह रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी धीरज रखो, तुम बड़ी हो, तुम इस तरह बर्ताव करोगी तो ललिता से क्या होगा। जाओ, जाकर उसे धीरज दो, लाओ बच्चे को मुझे दो। ललिता, तुम फिक्र मत करो, भगवान की दया से हमारे किशन को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि उसकी जान को खतरा है। नहीं, मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बच्चे का मुझसे जुदा मत करो, मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। इस मनहूस नागिन ने बच्चे को अपना जहर पिलाया है, देखना एक दिन बच्चा उल्टियां करेगा, खून की उल्टियां, उसे बुखार होगा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होगा, और फिर एक दिन बच्चा मर जाएगा। साहब, ला मेरा बच्चा मुझे दो, मैं बच्चे को अपने घर ले जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो, बच्चे को इस हालत में घर ले जाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि आप मुझे विश्वास हो गया है। पागल हो गया क्या? ललिता ठीक कहती है, ललिता ले जाओ अपने बच्चे को, फौरन ले जाओ। लेकिन बच्चे को अभी भी इंजेक्शन लगाया, ठीक होने में 3 घंटे लगेंगे, ऐसी हालत में उसे बाहर ले जाना खतरनाक है। इसे ले जाने दीजिए, जब इसके मन में ये विश्वास बैठ गया कि बच्चा यहाँ रहने से ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा, तो इसे ले जाना ही अच्छा है। ललिता, इसे ले जाओ, जल्दी जाओ। भाभी, रवि तुम भी जाओ, उसका अकेले जाना ठीक नहीं, जाओ रवि, मैं कैसे जाऊं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, मैं तो तुझे पहले से कहती थी इसे वहाँ मत रख, मत रख, मत रख। अच्छा हुआ तो इसे यहाँ ले आई। अरे बाबा तू ठहरना, तू जा डॉक्टर शिराज को बुला के ला, जा